हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में, यानी हाय चैनल में। आपका इस्तकबाल है हाय अहमद में। और दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ सऊदी खबर, कुछ न्यूज़ है सऊदी की, उस सिलसिले में बताने वाला हूँ। गुड न्यूज़ भी है, बैड भी न्यूज़ है, तो इतनी भी बुरी न्यूज़ नहीं है, बैड न्यूज़ है। तो आपको गुड न्यूज़ पहले बताता हूँ, उसके बाद फिर बैड न्यूज़ पे लेकर चलता हूँ। तो पहले आपको मैं अपने स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। उस ले जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर भी करें। और लोगों से दरख्वास्त यह है कि अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, समझ में ना आए तो उससे कमेंट भी कर सकते हैं, सवाल भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं लेके आया हूँ अपने, देखिए सऊदी गैजेट की क्या ट्वीट करके डाला है। यहाँ पे देखिए, सऊदी गैजेट ट्विटर पे अपने ट्वीट करके डाला है कि सलमान ने ऑर्डर दिया है फ्री एक्सटेंशन का ऑफ रेजिडेंसी। और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये भी देख लीजिए, जवाजात भी डाली है। जवाजात में क्या डाला ये भी आप देख सकते हैं, अरबी में ट्वीट है, तो आप देख सकते हैं डेट यहाँ पर। और आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ, ये देखिए जवाजात का यहाँ पर अरबी में ट्विटर है, मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए मैं ट्रांसलेट किया हूँ। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुड न्यूज़ ये भी है कि सऊदी अरब ने फिर से इकामा, री एंट्री और वीज़ा का टाइम 30 नवंबर तक बढ़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, जो आने वाला 30 नवंबर है 2021, फ्री में यानी बिना पैसे का, जो लोग बच गए जाके, मतलब जो नहीं आ पा रहे हैं, जिन लोगों का कफिल अगर नहीं बढ़ा रहा, उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत अच्छा चीज़ है कि जिन लोगों की कंपनी या कामा नहीं बढ़ाई है या फिर कफिल किसी का नहीं बढ़ाया है कामा, उन लोगों को गवर्नमेंट ने फ्री में सेवा में, यानी कोई पैसा ना लेगा, उनको 30 नवंबर तक कर दिया। पहले यहाँ पे 30 सितंबर तक था, तो अक्टूबर नवंबर यानी नवंबर तक कर दिया, 30 नवंबर तक। ये गुड न्यूज़, अच्छी न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है, मैं बुरी खबर इसलिए मैं बता रहा था, कुछ आई नहीं लेकिन मैं अपना आंकड़ा बता रहा था। जैसे कि मैं सोचता था कि 30 सितंबर तक बढ़ाइए अकामा, हो सकता है आगे चल के हो सकते हैं आम हो जाए फ़्लाइट, यानी खुल जाए, ओपन हो जाए, लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम हमें आसार कुछ नहीं नज़र आ रहा है। ले कोरोना के मामले जो है, कोरोना का मामला यहाँ पर देखिए, कोरोना जो आ रहे हैं केसेस सब कम, डेली कम होते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर यह मसला उठ रहा है कि मतलब कि ये 30 नवंबर तक बढ़ गया है, पहले 30 सितंबर तक था। तो इसका मतलब क्या, कुछ आंकड़ा मैं अपने हिसाब से लगा रहा था कि हो सकता है कि यानी टाइम जो लोग आना चाह रहे हैं, वाया के लिए तो खुल गई है फ़्लाइट, लेकिन जो लोग डायरेक्ट आना चाहते थे, जैसे कि अभी वाया से दुबई खुला है और सब दुबई से भी आना चाहते तो आ जाएँ, आसानी है, और बहरीन से भी। इससे पहले मैं वीडियो बनाया हूँ, आप ये देख सकते हैं वाया के लिए। तो इसमें ये भी फ़ायदा था आप लोगों का कि आप वाया से आएंगे, जिन लोग नहीं लगाए थे वो सब वाया से आ सकते हैं, तो कम से कम उसमें पैसा ज़्यादा लगता है ना। इस मैं सिलसिले में बात कर रहा हूँ, बैड न्यूज़ इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसमें पैसा ज़्यादा लग रहा था। तो डायरेक्ट अगर खुल जाती तो बहुत ज़्यादा 45-50-60 हज़ार जो लगता वो आ जाते आदमी डायरेक्ट फ्लाइट से। लेकिन बैड न्यूज़ इसमें ये है कि वाया से होके आएंगे तो उसमें ज़्यादा पैसा लगता है। मैं उस सिलसिले में बात कर रहा हूँ, मैं अपना मतलब एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि ये जो टाइमिंग है जो 30 नवंबर तक हो गई है, इसका मतलब कुछ आंकड़ा ऐसा नज़र आ रहा है कि इसका आंकड़ा ये निकल रहा है मेरे हिसाब से कि हो सकता है अभी फ़्लाइट डायरेक्ट पूरी आम ना हो। इस सिलसिले में मैं सोचा कि आपको वीडियो बन के बताता हूँ, आप कुछ इसमें राय दें तो अच्छा है, आप अपनी राय को शेयर करें। तो मैं जैसे अपनी राय को बताएं, आप भी अगर कमेंट कर सकते हैं, अगर किसी को समझ में आए ना समझ में आए तो आपकी क्या राय, अगर खुल जाए तो अच्छी बात है, अगर कोई ऐसी न्यूज़ हो तो आप मेरे से शेयर कीजिए, इंशाल्लाह मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो ये है मसला आज के न्यूज़, गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़। और देखिए, दिन पे दिन कोरोना तो सऊदी के अंदर कम होते जा रहे हैं, बस दुआ है ऊपर वाले से कि सब ख़त्म हो जाए, वबाएँ सब आम हो जाए। बहुत सारे बेचारे परेशान हैं, कितने लोग परेशान हैं, रोज़ी रोटी सबकी मतलब सिस्टम सही से नहीं है, मतलब किसी की लगी है किसी की नहीं लगी, सब लोग जो छुट्टी पे गए वो आना चाह रहे थे पैसा लगाना, किसी का कफिल पैसा नहीं दे रहा है, किसी मतलब जो बड़े बड़े मौसम से आते हैं वो अपना पैसा लगा के आते हैं, कंपनी की किसी को नहीं दे रही है, तो मतलब अपना पैसा लोग जो जमा कर रही करके रखे थे साल डेढ़ साल से, वो अब लगा के टिकट में आएंगे 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख में कह रहा हूँ, मतलब वही मिला जुला के 1,80,000 45,000 2 लाख, तो इसी में अमूमन नीचे ऊपर होता है। तो ये बहुत खलता है लोगों को पैसा, तो इसीलिए मैं सोचा कि आपको गुड न्यूज़ भी बताऊँ। बैड न्यूज़ यही थी, बैड न्यूज़ मेरी यही थी कि मतलब फ़्लाइट वाला सिलसिला जो था, फ़्लाइट का अगर 30 नवंबर तक यानी बढ़ाई, जिसका मतलब फ़्लाइट अभी तक नहीं चालू होगी, आम नहीं होगी।
आम नहीं होगी। यही सी दुआ मैं आप लोगों से दुआ करूँगा भाई, अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। आपसे दरख्वास्त यही है कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को तक शेयर करें, और आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। अल्लाह माशाल्लाह।